good evening everyone it's 7 o'clock and it's time to start the class so please aap sabhi connect to jobi jo and uh, do share this stream so that everybody can take advantage of this online class so this is live class number one and today i'm going to start from the very basics jo bhi se. न्यू इंग्लिश लर्नर से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए है क्योंकि आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश को <coughs> तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि आप कहाँ कहाँ से हैं आपकी स्टेट कौन सी है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिटी जो भी डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज लाइव इंग्लिश क्लास नंबर वन एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर वन और वर्क बुक पार्ट वन जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि वर्क बुक पार्ट वन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से तो आज वही चीज आपको मैं कराऊंगा और पहले करेंगे ट्वेंटी वोकैबलरी आप अपने सामने देख सकते हैं दिस इज बेसिक्स राइट एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज नंबर वन दिस एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर वन तो ये पूरा डिटेल में विद एग्जांपल्स आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ और जहाँ भी आपको डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन राइट तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बाकी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएँ और अभी सबसे पहला लेसन हमारा वर्कबुक पार्ट वन का तो जो मेरे पास बच्चे इंग्लिश में पर, इंग्लिश पढ़ने आते हैं तो उनको भी मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कराता हूँ वर्कबुक पार्ट वन से तो मेरी तीन वर्कबुक्स हैं वर्कबुक पार्ट वन टू एंड थ्री तो टू थ्री एडवांस्ड लेवल पर चली जाती हैं लेकिन पार्ट वन आपके पूरे बेस को कवर अप करती है और आई एम श्योर कि अगर आप वर्कबुक पार्ट वन कर लेंगे तो आप भी एबल हो जाएंगे स्पीकिंग करने के तो हमारा आज का पहला लेसन है वर्कबुक पार्ट वन का एंड दिस इज़ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस राइट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस तो इससे पहले कि मैं आपको ये डिटेल में बताऊं तो पहले हम कुछ वर्ड, वर्ड मीनिंग कर लेते हैं फटाफट से तो आप मेरे साथ बताना शुरू करें कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी और आप लिख रहे हैं दर्द दिल मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप वीडियो वॉच करें और सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ कि आपकी इंग्लिश वीक है तो चलिए शुरू करते हैं वो पार्ट वन तो सबसे पहला वर्ड उठना आप मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करें तो मैं यहां पे इनके आंसर टाइप कर रहा हूं और इनको आपको साथ साथ याद करना है उठना उठना मीन्स टू अप उठना मीन्स टू अप और आप में से कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि यह टू क्यों लगाया जा रहा है टू इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि वो एक वर्ब है क्योंकि अगर हम टू ना लगाएं हम सिंपली बोल दें कि गेटअप इसका मतलब होगा कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उठ जाओ तो वो इंपेरिटिव सेंटेंस कहलाते हैं लेकिन हम यहां पे वर्ब की बात कर रहे हैं तो टू लगाना जरूरी है तो उठना इज गेट अप। तो आप मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करें सेकंड बताइए पूजा करना पूजा करना इट मींस टू वर्शिप पूजा करना इज वर्शिप ओके okay, फाइन तीसरा वर्ड पता होना टू नो टू नो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नोन राइट नो न्यू नोन इन सभी की थ्री फॉर्म होती है जैसे गेट की गॉट गॉट वर्शिप की वर्शिप्ड वर्शिप्ड ये थ्री फॉर्म्स आपकी काम आएंगी आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल आपको पहले लेसन से करा रहा हूँ वैसे इससे पहले कुछ टॉपिक्स हैं बेसिक्स के तो वो मैं आपको अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप कर सकते हैं आप कोर्स के अंदर तो मैं डायरेक्ट लेसन से स्टार्ट कर रहा हूँ तीसरा वर्ड आप में से ज़्यादातर के आंसर ठीक है ये नाश्ता करना क्या होता है टू तो ब्रेकफास्ट नहीं हैव हाँ ब्रेकफास्ट बोल सकते हो तो नाश्ता करना इज टू तो हैव हाँ ब्रेकफास्ट या फिर टू टेक ब्रेकफास्ट राइट दोनों लिख सकते हो टू हैव ब्रेकफास्ट और टू टेक ब्रेकफास्ट नेक्स्ट वन नहाना तो वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी है तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि बातें थोड़ी कम हो और काम ज्यादा सो so, नहाना सक्सेस ऑफ लाइफ स्टडी पर फोकस करें नहाना इज टू टेक अ बाथ टू टेक अ बाथ या फिर टू टेक अवर और टू हैव अ बाथ तो इन शॉर्ट टू टेक अ बाथ नहाना टू टेक अ शावर एक ही बात है और हैव अ बाथ और हैव अ शावर तो टेक की जगह हैव लगा सकते हो और यहाँ पे अ लगाना जरूरी है टेक अ बाथ टेक बाथ की जगह टेक बाथ राइट नेक्स्ट वन झूठ बोलना झूठ बोलना इज टू टेल अ लाए टू टेल अ लाए टू टेल अ लाई इज झूठ बोलना नेक्स्ट वन कीप टाइपिंग योर आंसर्स मैं साथ साथ रीड कर रहा हूं आपके आंसर्स मुझे पता चलता रहेगा कि आप कहां पे गलतियां करते हैं सो दैट आई कैन टेल यू योर मिस्टेक्स इन बिटवीन द सेशन तो नेक्स्ट इज सच बोलना सच बोलना इज टू स्पीक द ट्रूथ इट्स टू स्पीक द ट्रूथ ठीक है तो याद रखिएगा झूठ बोलने में टेल लगता है टेल लाइ और सच बोलने में स्पीक द ट्रूथ लगता है ये कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं आपको इनको इसी तरह से याद करना है अगर आप बोलेंगे टेल द ट्रूथ इसका मतलब हो जाएगा सच बताना नेक्स्ट और ठीक है ट्रूथ के साथ द लगाना जरूरी है क्योंकि जो चीज खास हो उसके साथ द लगता है और लाई के साथ अ लगता है टेल अ लाए और स्पीक द ट्रूथ ए एंड द का भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट सैर पर जाना गो uh, आउट नहीं होता सैर पर जाना वॉक अप भी नहीं कहेंगे वॉक तो सिर्फ सैर हो गया सैर पर जाना इज टू गो फॉर अ वॉक टू गो फॉर अ वॉक ओके टू गो फॉर अ वॉक यहां पे गो टू वॉक की जगह गो फॉर अ वॉक नेक्स्ट इज गाली देना गाली देना मतलब टू अब्यूज अब्यूज नेक्स्ट इज गप्पे मारना गप्पे मारना बताइए ओके ठीक है टू जी ओ डबल एस आई पी गप्पे मारना इज गॉसिप ट्वेंटी वर्ड्स मीनिंग है ट्वेंटी हर लेसन से पहले ट्वेंटी वर्ड्स मीनिंग नेक्स्ट इज बोलना बोलना मीन्स टू स्पीक सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी स्पोक एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन स्पीक स्पोक स्पोकन ऐसी गॉसिप की गॉसिप गॉसिप्ड गॉसिप्ड अब्यूज की अब्यूज अब्यूज्ड गो फॉर अ वॉक की गो वेंट गॉन नेक्स्ट बात करना बात करना इज टू टॉक इसमें एल हमारा साइलेंट होता है सो यू हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज टॉक टॉलक नहीं बोलना टॉक नेक्स्ट वन अब ये सारे वर्ड अभी हम यूज करेंगे सेंटेंसेस के अंदर नेक्स्ट इज लाना जैसे बादल पानी लाते हैं या फिर हम बोलते हैं किसी को कि वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर वुड यू प्लीज ब्रिंग मी दैट वुड यू प्लीज ब्रिंग मी कोई भी चीज तो लाना मतलब टू ब्रिंग और इसकी थ्री फॉर्म आप याद जरूर कर लें ब्रिंग ब्रॉट और ब्रॉट ब्रिंग ब्रॉट B R O U G H T, bring brought ब्रॉड और आप में से कई लोग लाना के लिए टेक लिख रहे हैं टेक टेक नहीं होता टेक तो लेना होता है हम तो यहाँ पे लाना की बात कर रहे हैं ठीक है अंडे देना अंडे देना टू ले द एग्स टू ले द एग्स ले का मतलब क्या होता है एक तरह से रखना नीचे जमीन पे लिटा देना तो टू ले द एग्स अंडे देना गिव द एग्स मत लिखिएगा अगर आप बोलते हैं गिव द एग्स वो अलग चीज है जैसे हम दुकानदार होता है वो क्या करता है अंडे गिव करता है और मुर्गी ले द एग्स करती है नेक्स्ट सीखना सीखना इज टू लर्न और अगर ले की सेकेंड फॉर्म आप कह रहे हैं तो ले की सेकेंड फॉर्म होती है लेड ले सेकेंड फॉर्म लेड थर्ड फॉर्म इज लेड नेक्स्ट इज सिखाना सिखाना टीचर क्या करता है सिखाता है और स्टूडेंट क्या करता है सीखता है लर्न करता है तो सिखाना मतलब टू टीच टीच की सेकंड फॉर्म टॉट थर्ड फॉर्म इज आल्सो टॉट टीच टॉट टॉट फाइन कीप ट्राइंग गाइस अच्छा ट्रांसलेट कर रहे हैं आप और ये सारी वीडियोस आपको मेरे वन ईयर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी सारी वीडियोस मैंने बनाकर वहां पे डाल रखी हैं अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप से सीख सकते हैं तो इसके बारे में एंड में बता दूंगा आपको बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लेना आप बाद में तो नेक्स्ट इज फूल तोड़ना अब जैसे अलग अलग चीज़ तोड़ना होता है कोई कुर्सी तोड़ देता है कोई दरवाज़ा तोड़ता है आ, बट कुछ फूल तोड़ता है कोई फल तोड़ता है तो याद क्या रखना है यहाँ पर अगर हम पेड़ से कोई चीज़ तोड़ रहे हैं जैसे पत्ते फल फूल कोई टहनी तो हम उसके लिए यूज करते हैं टू प्लक टू प्लक द फ्लावर। ब्रेक यूज नहीं करेंगे ब्रेक हम यूज करते हैं किसी चीज को तोड़ने के लिए जैसे कि कोई लकड़ी होगी या फिर खिड़की या दरवाजे तो ब्रेक लगाते हैं ठीक है प्लक द फ्लावर। ओके फाइन एवरीबॉडी बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं इससे भी हाई वो जाएगी पार्ट टू के अंदर इससे बहुत एडवांस लेवल की है वो तो नेक्स्ट इज छिपना सूरज का छिपना इसको हम बोलते हैं टू सेट सेट की हमारी तीनों फॉर्म सेम ही रहती है सेट सेट और सेट और सूर्य का निकलना इज टू राइज अब ये वर्ड याद कर लीजिएगा इसकी सेकंड फॉर्म में बहुत लोग गलती करते हैं सेकंड फॉर्म रोज होती है राइज रोज राइजन ये अभी यूज होंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आप इसको याद कर लें राइज रोज राइजन और लास्ट वर्ड आज का भोंकना टू बार्क तो बार्क जो है इसमें आप एक चीज याद रख लेंगे ये जो बार्क है ये एक वर्ब है एक और बार्क भी होता है बी ए आर के इस ये एक नाउन है इसको बोलते हैं पेड़ की छाल जो पेड़ की छाल आपने देखा होगा पेड़ सूख सा जाता है उसको उतार लेते हैं उसको हम बार्क बोलते हैं यानी कि पेड़ की छाल लेकिन यहाँ पे भोंकना है ये वर्ब है तो एक बार्क बोलेंगे इसको भोंकना तो आई होप ये ट्वेंटी वर्ड्स आपको समझ में आ गए तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज नंबर वन फ्रॉम वर्क बुक पार्ट वन तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं तो वो भी इन्हीं बुक्स को फिलअप करते हैं तो उनको मैं इन्हीं से पढ़ाता हूँ और उनको बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको मैं एंड में बता दूंगा कि आपको क्या करना है तो हमारा लेसन है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस तो इसमें करना क्या है अब ध्यान से इसको सुनिए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बेसिक पहचान जो है इसकी कि इसके सेंटेंस है ती है ते है ताहूँ तीहूँ या ते हो पर ख़त्म होते हैं ये तो होगी पहली बेसिक पहचान लेकिन स्पीकिंग में आपको एक डिफरेंट वे से इसकी पहचान करनी है कि ऐसी कोई बात अगर आपको बतानी है जो बार बार होती रहती है या फिर आप बार बार करते हैं चाहे रोज़ करते हों चाहे हफ्ते में चाहे महीने में चाहे साल में बट वो काम होता रहता है बार बार तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाएगा तो इसमें अभी मैं सेंटेंस आपको दिखाता हूँ और दूसरी चीज़ पहले तो ये याद कर लो पहचान इसकी और अब रूल्स की बारी आती है रूल्स कैसे यूज़ करने हैं वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि एक सेंटेंस को हम छः तरह से बना सकते हैं एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस एक होता है नेगेटिव सेंटेंस टेक्निकल भाषा में अगर जाओ तो एजर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बट हम सिंपल पढ़ेंगे बिकॉज हमें इंग्लिश को सीखना है तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ नेगेटिव नहीं लगा कर मैं अंग्रेजी नहीं सिखाता हूँ तो हमें क्या करना है सबसे पहले एस एस मतलब सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है इसके साथ एस ई एस आई ई एस चेक करना होता है वो अभी आपको सेंटेंस में बताऊँगा फिर जो अदर वर्ड होते हैं वो लगते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स तो ये चीज़ आपको एक बार याद रखनी है दूसरी चीज़ अगर सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको सवाल करना है किसी से क्या तुम स्कूल जाते हो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो क्या तुम पढ़ते हो क्या तुम नहीं पढ़ते हो क्या तुम झूठ बोलते हो क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो क्या तुम सैर पर जाते हो क्या तुम सैर पर नहीं जाते हो तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं तो जब भी आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो शुरू में डू या डज आप लगाएंगे एंड रिमेंबर प्रेजेंट इनडेफिनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन स्ट्रक्चर्स ऑफ़ द इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होता है तो बहुत अच्छे से करना है इसको तो डूडल्स पहले लगेगा फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स और नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे बस और डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि अगर आप पूछ रहे हैं कि क्यों जाते हो कब जाते हो कैसे जाते हो तो वट वाई वेयर वेन इस तरह के वर्ड आएंगे तो वो शुरू में लिखेंगे फिर डूडल्स फिर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स और नेगेटिव होगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद बाकी सेम रूल है बाकी आप सेंटेंसेस देखें मैं कैसे करूंगा आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अब मेन चीज एक रह गई है उस चीज का ध्यान रखें तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि काम करने वाला अगर वो ही शी इट या फिर कोई एक बंदा हो जैसे राम श्याम या कोई एक वस्तु हो जैसे एक पेड़ है ट्री या फिर अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर वगैरह ये सिंगल सिंगल इनको हम बोलते हैं तो अगर हमारा काम करने वाला सिंगल होगा तो इसके बाद जो भी आप वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म इसके साथ एस ई e, एस आई ई e, एस इनमें से एक चीज़ आपको हंड्रेड परसेंट लगानी पड़ेगी ध्यान से सुनिएगा अगर काम करने वाला बंदा एक होगा ही शी इट राम शाम कोई भी एक तो हम उसके साथ जो भी वर्ब लगाएंगे तो एस ई एस वहाँ लगेगा हंड्रेड परसेंट और अगर हमारा काम करने वाला आई हो यू हो या वी हो या दे या फिर दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ तो इसके बाद जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो वहाँ पे एस ई एस आई ई एस नहीं लगाएंगे ठीक है जैसे ही गो वह जाता है तो ही है तो हम गोज़ कर देंगे ही गोज़ शी है तो हम यस yes लगा देंगे गोज़ ऐसे ही राम है राम जाता है तो राम गोज वह खेलता है ही प्ले और प्ले के साथ एस yes लगा दिया अब आप देख रहे हैं कि ही शी कोई भी हो इनके साथ एस ई एस लगा देना है पहली चीज अगर ये हो जैसे कि आए मैं जाता हूं तो सिंपली कहेंगे आई गो कोई एस ई एस नहीं लगेगा तुम जाते हो हम कहेंगे यू गो हम जाते हैं वी गो लोग जाते हैं तो हम कहेंगे पीपल गो अब यहाँ कोई एस ई एस नहीं लग रहा तो यही बात मैं कह रहा हूँ इसको आप दिमाग में रखिएगा ठीक है अब आ जाइए सेंटेंसेस पर और एक चीज और इन सभी के साथ हम डज लगाते हैं डज नॉट नेगेटिव में ड नॉट जैसे ही डज नॉट शी ड नॉट इट ड्री डज नॉट वॉटर डज नॉट और इन सभी के साथ हम लगाते हैं डू नॉट तो यह दिमाग में रखिएगा अब मैं आपको सेंटेंसिस देता हूं और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं समझ कर तो यह है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और वीडियो नंबर सेवन जो आपको दे रखी है डिटेल में समझने के लिए वो आप देख सकते हो तो हम शुरू करते हैं पहला सेंटेंस और आप देख लीजिए ये त ह पर खत्म हो रहा है ता हूँ ता हूँ ता है या ती है सारे ऐसे ही आपको मिलेंगे तो बहुत अच्छे सेंटेंसेस है ध्यान से देखिएगा अब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ ध्यान से देखते जाएं और जब भी आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं तो पहले पहचान लें कि उसमें सब्जेक्ट कौन है वर्ब कौन सी है और अदर वर्ड कौन से हैं काम करने वाला बंदा जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा जो भी किसी काम को करता है और लास्ट में वर्ब आपको मिलेगी जो भी ये बंदा काम करता है उसको वर्ब बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब को छोड़ के सेंटेंस में जो भी बचा वो अदर वर्ड्स कहलाएगा अदर वर्ड्स ठीक है तो अब इनको रूल में फिट करते हैं देखो कैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में कराऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा इसीलिए आप वीडियो सेवन देख सकते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसलेशन कैसे करनी है तो मैं जल्दी उठता हूं क्या कहेंगे आई अप अर्ली ठीक है अब रूल देखिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई फिर अदर वर्ड्स लगाया अब आप सब्जेक्ट देखो कौन है आए तो अभी मैंने आपको क्या बताया आए सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस सी एस कुछ नहीं लगाएंगे इसीलिए हम गेट के साथ एस सी एस कुछ नहीं लगाएंगे तो सिंपल आई अप अर्ली और अब आप लोग ट्रांसलेट करना शुरू करें मेरे साथ साथ सारे सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं तो स्टार्ट कर दीजिए आई गेट अप अर्ली आप वेकअप लिख रहे हैं वेकअप भी लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई वेकअप अर्ली इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है वेकअप और गेटअप में जब आपकी सुबह आँख खुलती है तो आप वेकअप हो गए जाग गए आप लेकिन कई लोग वेकअप होने के बाद भी 10 मिनट बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो अभी वो गेटअप नहीं हुए गेटअप मतलब आप फिजिकली बेड से उठ चुके हो ठीक है तो गेटअप लगाते हैं और वेकअप आपकी अभी आँख खुली है लेकिन आप बिस्तर पर पड़े हैं तो आ, आप वेकअप यूज़ करेंगे नेक्स्ट मैं देर से उठता हूँ तो सेकेंड सेंटेंस तो आप लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं बहुत अच्छा तो मुझे भी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आप एरर करते हैं तो आपको बता दूंगा मिस्टेक्स तो मैं देर से उठता हूँ आई गेट अप लेट I get up late. ठीक है आई गेट अप लेट तीसरा सेंटेंस वह समय से स्कूल जाता है तो वह मतलब ही जाता है मतलब गो ही गो टू स्कूल वो स्कूल जाता है समय पर ऑन टाइम अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो गो लिखा है अब इससे पहले ही सब्जेक्ट है अब दोबारा रूल पे आ जाइए ही के साथ जो भी वर्ब लगेगी वहां एस ई एस लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब है गो के साथ हम कुछ तो लगाएंगे तो ई पे खत्म होने से ई एस लगता है ठीक है तो अब आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम और एक छोटी सी चीज और याद रख लें अगर हमारी जो वर्ब है अगर वो एस एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड थोड़े रूल इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं पहले लेसन में तो अगर वर्ब हमारी इन पर ख़त्म हो तो इनके बाद ई एस का यूज़ हम करते हैं जैसे गो है ये ओ पे ख़त्म हो रहा है तो हमने क्या किया ई एस लगा दिया तो ओ पे ख़त्म हो या इन पे ख़त्म हो तो ई एस उसके साथ आप यूज़ करेंगे ठीक है तो इसलिए ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम तो सेंटेंसिस थोड़े से ज्यादा हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा यहां पर तो वह रोज मंदिर जाती है आप भी स्पीड से ट्रांसलेट करें वह रोज मंदिर जाती है लड़की है शी गोज टू द टेम्पल डेली अब यहां पे टेंपल के साथ द का यूज आप कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर मंदिर है अगर नहीं है तो आप मत लगाएं शी गोज टू टेम्पल डेली सिंपल ट्रांसलेट करेंगे नेक्स्ट वह स्कूल में झूठ बोलता है वह ही झूठ बोलना टेल अ अलाए तो ही है तो टेल के साथ एस लगा दिया ही टेल्स अ लाए इन स्कूल राइट right? ही टेल्स अ लाए इन स्कूल नेक्स्ट वन वह घर पर सच बोलता है वह मतलब ही सच बोलना स्पीक द ट्रूथ तो ही के साथ एस लग जाएगा ही स्पीक्स द ट्रूथ और घर पर घर पर मतलब एट होम जब हम लोकेशन बताते हैं तो एट का यूज करते हैं तो स्कूल में इन स्कूल और घर पर एट होम ठीक है अब याद रखिएगा ही के साथ टेल लगा एस लगाया ही के साथ स्पीक लगाया एस लगाया स्पीक्स और इसमें एक चीज और देख लीजिए प्रैक्टिस वर्कबुक है तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड आपके सामने लिखे भी हुए हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो इन द बिगनिंग एटलीस्ट तो अब है नेक्स्ट तो ही स्पीक्स द ट्रूथ एट होम आपके भी सही है और शालू ही स्पीक्स द ट्रूथ इन द हाउस इन द हाउस नहीं होता एट होम इन द हाउस होता है मकान में तो तुम हमें गाली देते हो क्या बोलेंगे यू अब्यूज हमें मतलब अस यू अब्यूज अस अस मतलब हमें वह मुझे परेशान नहीं करता है अब नेगेटिव सेंटेंस तो वह मतलब ही ही के साथ लगता है डज नॉट ही डज नॉट और परेशान करना डिस्टर्ब या फिर बॉदर आप यूज कर सकते हैं ही डज नॉट डिस्टर्ब और मुझे मतलब मी ही डज नॉट डिस्टर्ब मी या ही डज नॉट बॉदर मी तो इसको बहुत ध्यान से करना ही शी इट राम शाम इनके साथ डज नॉट और आई यू वी दे के साथ डू नॉट नेक्स्ट तो आप टाइप करते रहिए जहां भी आपका एरर होगा मैं देख रहा हूं तो आपको मैं साथ में बता दूंगा जो भी गलत करेगा ओके okay, फाइन अभी तक तो सबके ठीक है वे रोज यहां आते हैं वे वे मतलब ज्यादा लोग हैं दे आते हैं मतलब कम यहां मतलब हेयर रोज मतलब डेली या फिर एवरी डे एवरी डे अलग अलग लिखा जाता है इकट्ठा आप नहीं लिखेंगे तो दे कम हेयर एवरी डे नेक्स्ट हम यहाँ काम करते हैं हम मतलब वी काम करना मतलब वर्क वी वर्क हम काम करते हैं यहाँ हेयर वी वर्क हेयर आप एक तरह से और भी बना सकते हैं जैसे वी डू द वर्क हेयर लेकिन इन दोनों में अंतर है इन दोनों में फर्क है फ़र्क क्या है वो भी समझे जब हम बोलते हैं वी वर्क मतलब यहाँ पे है कि मेरा वो प्रोफेशन है मैं यहाँ काम करता हूँ प्रोफेशन है मेरा जब हम डू बोलते हैं द वर्क ये भी बोल सकते हैं लेकिन इसमें ये अंतर है वी डू द वर्क इसका मतलब कोई ना कोई काम है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझको वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाना मेरा काम है तो मैं बोलता हूँ मैं तो यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ तो हम डू लगा सकते हैं और ये अलग से द वर्क लिख सकते हैं उस कंडीशन में बट जब आप प्रोफेशन बता रहे हैं कि मेरा काम धंधा ही यहां पर है तो आप सिंपल बोले आई वर्क हेयर तो वो ज्यादा बेटर है ये ऑप्शन तो आई डू द वर्क हेयर आई डू वर्क हेयर ओके फाइन तो अगला सेंटेंस सेंटेंस गाइज यहां पे 110 सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए तो सोचिए जो कोर्स के अंदर है उनको कितना फ़ायदा होता है इन चीज़ों से जब वो प्रैक्टिस करते हैं खुद तो नेक्स्ट इज वह रोज सुबह पूजा करती है वह रोज़ सुबह पूजा करती है वह मतलब कोई लड़की है शी वर्शिप अब वर्शिप के साथ ऐसे लगा देंगे शी वर्शिप्स रोज डेली और सुबह मतलब इन द मॉर्निंग सुबह में कोई काम हो इन द मॉर्निंग दोपहर इन द आफ्टरनून शाम इन द इवनिंग रात के लिए एट नाइट इन द नाइट भी लगता है पर इन द नाइट एक पर्टिकुलर रात के लिए होता है कोई खास रात और इन द नाइट मतलब एट नाइट मतलब डेली का ही काम है आर्यन छ बजे उठता है तो आर्यन उठना इज गेट अप तो गेट्स के साथ अप आ गया गेट के साथ गेट्स अप गेट 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 दस बजे एट छ बजे उठता सॉरी एट सिक्स ओ क्लॉक अब सिक्स ओ क्लॉक कैसे लिखना है ये देख लीजिए पहले ओ डलता है फिर ये साइन डलता है फिर क्लॉक और अगर सुबह की बात है आप सिक्स ए एम भी लिख सकते हैं ए एम आर्यन गेट अप एट ओके ठीक है आप में से सबके ऑलमोस्ट ठीक है सेंटेंसेस नेक्स्ट अगर आप एक दिन में एक लेसन भी करेंगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा आपको आरजू दस बजे सोती है तो आरजू स्लीप्स तो आर जो ए की है इसलिए स्लीप के साथ एस लगा दिया एट टेन ओ क्लॉक और पीएम भी लिख सकते हैं रात की बात है तो स्लीप्स एट टेन पी एम आ, बे, बे टू पांडे आप लिख रहे हैं सर इंग्लिश बोलने के लिए भी ट्रांसलेशन यूज होता है क्या अच्छा मेरे को आप बताओ बिना ट्रांसलेशन के कैसे बोल लोगे आप बोल सकते हो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जब तक हमें यही नहीं पता सेंटेंस कैसे बनाने कैसे बना लेंगे जब हम लिखने में ही इतना सोच रहे हैं कि एस लगाएं ना लगाएँ डूडस लगाऊं कि क्या लगाऊं या फिर ये टेंस कौन सा है इज एम आर लगाऊँ जब हमें लिखने में इतना तकलीफ हो रहा है ब्रेन को इतना भागना पड़ रहा है तो स्पीकिंग के टाइम तो आपके पास समय ही नहीं होता उस टाइम तो इंस्टेंटली यू हैव टू स्पीक तो कैसे कर लोगे इसीलिए आपकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए जब ट्रांसलेशन बहुत अच्छी होगी तो आपके आइडियाज़ जो होंगे माइंड में उनको बोलना बहुत आसान हो जाएगा तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा ट्रांसलेटर भी होता है ठीक है तो इस भ्रम में मत रहना कि स्पीकिंग वैसी आ जाती है हवा में ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में और हम लोग उनको बड़े मज़े से देखते हैं कि भाई बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल लेंगे मज़ा आ जाएगा ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली चलना पड़ता है नेक्स्ट इज़ आप लिख रहे हैं गर्ल्स गॉसिप राइट लड़कियाँ गप्पे मारती हैं लड़के भी मारते हैं बट लड़कियाँ भी सेंटेंस हैं यहाँ पर तो गर्ल्स गॉसिप ठीक है ज़्यादा लड़कियाँ हैं इसलिए गॉसिप के साथ एस सी एस नहीं लगेगा नेक्स्ट क्या लड़के गप्पे मारते हैं क्या से स्टार्ट हो रहा है अब तो हम शुरू में डूडस लगाएंगे सब्जेक्ट है हमारा लड़के तो हम क्या बोलेंगे डू बॉयज़ गॉसिप डू बॉयज़ गॉसिप अब यहाँ पे बात याद रखनी है कि ज़्यादा लड़कियाँ हैं इसीलिए द का यूज़ हम नहीं करेंगे प्लूरल होता है तो हम सिंपल बोलते हैं गर्ल्स गॉसिप अगर या गर्ल्स के बाद ऑफ़ लगा होता जैसे गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल अगर ऐसा होता कि इस स्कूल की लड़कियाँ तो ये पर्टिकुलर गर्ल्स बन जाती हैं कि हमें पता है कौन सी लड़कियों की बात हो रही है उस कंडीशन में द लगाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा अगर यहां पर ऑफ आ गया किसी भी नाउन के बाद तो हमें द लगाना पड़ता है अगर सिंपल ज्यादा की बात है तो द की जरूरत नहीं है इसीलिए बॉयज के साथ भी हमने यहां द नहीं लगाया अगर ये समझ में आ गया तो यस yes, टाइप कर दीजिए ये जो अभी मैंने आपको बात बताई द वाली समझ आ गई तो टाइप यस yes. एंड गाइज प्लीज शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप उनका भी बेनिफिट हो जाएगा और साथ में मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ से क्योंकि प्रैक्टिकल बात तो यही है कि मेरा भी बेनिफिट होगा और आपका भी होगा उनका भी होगा उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम आपने कुछ अच्छी चीज उनको दे दी ओके फाइन नेक्स्ट इज वह झूठ नहीं बोलती है लड़की है तो शी शी के सा डज नॉट शी डज नॉट टेल अ ल लाए शी डज नॉट टेल अ लाए नेक्स्ट तुम समय पर नहीं आते हो कहेंगे यू यू के साथ डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस यू डू नॉट कम तुम नहीं आते हो समय पर ऑन टाइम आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि इन टाइम क्यों नहीं आएगा इन टाइम भी आ सकता है ठीक है यू कम ऑन टाइम यू डू नॉट कम ऑन टाइम यू डू नॉट कम इन टाइम ऑन टाइम मतलब होता है बिल्कुल समय पर और इन टाइम मतलब होता है समय से पहले ही जैसे सात बजे क्लास है अगर आप पंद्रह मिनट पहले आ जाते हैं इट मीन्स यू कम इन टाइम ऑन टाइम मतलब बिल्कुल एक दो मिनट पहले या पूरे पूरे टाइम पर तो छोटा सा डिफरेंस है ओके फाइन नेक्स्ट बच्चे रोज ध्यान करते हैं बच्चे रोज ध्यान करते हैं बच्चे इज़ चिल्ड्रन और बहुत सारे लोग चिल्ड्रंस लिखते हैं चिल्ड्रंस होता ही नहीं है कुछ भी याद रखना चिल्ड्रन ध्यान करना इज़ मेडिटेट और रोज इज़ डेली ठीक है चिल्ड्रन मेडिटेट डेली और इसको एक तरह से और भी बना सकते हैं जैसे चिल्ड्रन डू मेडिटेशन डेली ये दोनों ट्रांसलेशन आप लिख सकते हो डू यहाँ पे मतलब करना और ध्यान मतलब मेडिटेशन मेडिटेशन नाउन है मेडिटेट एक वर्ब है तो दोनों वे से बना सकते हो नेक्स्ट बादल पानी लाते हैं अब बादल पानी लाता है नहीं है लाते हैं इसका मतलब क्लाउड्स ज़्यादा हैं क्लाउड्स सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स ब्रिंग वाटर क्लाउड्स ज़्यादा थे इसलिए ब्रिंग के साथ एस नहीं लगा क्लाउड्स ब्रिंग वाटर और बहुत सारे लोग हैं प्लस टू लेवल के भी जिनको क्लाउड्स की स्पेलिंग नहीं आती बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं पर्सनली जिनको टेम्पल की स्पेलिंग नहीं आती क्लाउड्स की स्पेलिंग नहीं आती प्लस टू में है तो एटलीस्ट आपको बेसिक स्पेलिंग्स तो आनी चाहिए ना नहीं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी या फिर आप अपना बिजनेस क्रिएट कैसे करेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो चलेगा नहीं ना तो आपको सीखना चाहिए अच्छे से नेक्स्ट इज मुर्गी अंडे देती है तो मुर्गी मतलब द हैन अब द क्यों लगा क्योंकि पूरी प्रजाति की बात हो रही है इसलिए द हैन और अंडे देना ले द दे एग्स और हमने एक ही मुर्गी को लेकर सेंटेंस बनाया तो लेज हो जाएगा लेज द एग्स तो द एग्स कृष्णा आप लिख रहे हैं ग्रामर कैसे स्ट्रोंग करें और क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं ये क्या चीज है यही तो है ग्रामर आप ग्रामर को अलग क्यों समझते हैं तो यही चीज करोगे तो ही तो स्ट्रॉन्ग होगी नेक्स्ट इज कुत्ता भोंकता है अब एक कुत्ते की बात हो रही है लेकिन पूरी प्रजाति की बात हो रही है कि भाई कुत्ते भो, कुत्ता भोंकता है प्रजाति उसकी तो द डॉग भोंकना इज बार्क एक कुत्ता था तो बार्क लिख दिया अगर होता कि एक कुत्ता भोगता है हम बोलते हैं कि यार गली में ना रोज एक कुत्ता भोगता है तो अब हम किसी पूरी प्रजाति की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं एक कुत्ता भोगता है अब ये नहीं पता कौन सा कुत्ता लेकिन एक कुत्ता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे उस टाइम हम बोलेंगे अ डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट मतलब गली में एक कुत्ता गली में भोगता है तो अ और द का फ़र्क समझ रहे हैं आप यहाँ पे पूरी प्रजाति की बात और यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात तो सॉरी यहाँ पे डॉग आएगा अ डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट एंड गाइस बाय मिस्टेक अगर आपको कोई स्पेलिंग मैं गलत लिख दूँ तो अपने आप समझ जाइएगा क्योंकि इतना ध्यान कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नहीं हो पाता आपके कमेंट्स पर भी ध्यान जाता है ट्रांसलेशन पर भी कैमरे पर भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो बाई चांस कई बार स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है इतना आप समझ सकते हो वैसे तो अगला देखिए कुत्ते भोंकते हैं अब ज़्यादा कुत्ते हैं तो हम डॉग्स बोलेंगे डॉग्स बार्क ठीक है ज्यादा है तो द नहीं लगाया नेक्स्ट कुत्ते गली में क्यों भोंकते हैं ठीक है कुत्ते गली में क्यों भोंकते हैं अब ये डब्ल्यू एच फैमिली है क्यों क्यों का मतलब वाई अब ज़्यादा कुत्ते हैं तो डॉग्स और ज़्यादा हैं तो डू लगेगा वाई डू डॉग्स बार्क और गली में इन द स्ट्रीट अब आप यहाँ पे देखिए हमने रूल लिखा वाई फिर डू फिर सब्जेक्ट अब मैंने आपको रूल क्या सिखाया था डब्ल्यू एच फैमिली फिर डू डज फिर सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स राइट right, नेक्स्ट पक्षी रात को क्यों नहीं उड़ते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली है वाई डू वाई डू बर्ड्स नॉट फ्लाई तो पक्षी क्यों नहीं उड़ते हैं रात को एट नाइट Why do birds not fly at night? एस सी एस का ध्यान रखें कुछ की मैं मिस्टेक्स देख रहा हूं कि वो एस सी एस का ध्यान नहीं रख रहे हैं नेक्स्ट वन तुम कहां रहते हो अब ये भी डब्ल्यू एच फैमिली तुम कहां रहते हो बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है वेयर डू यू लिव वेयर डू यू लिव राइट नेक्स्ट वह कहां रहता है? अब कोई लड़का है वेयर डज ही लीव वे डज ई लीव अब यहाँ पे ही था इसलिए डज ऊपर यू था इसलिए डू तो ये बहुत बार बता दिया है। अब देख लीजिएगा आप रिपीट करके वह क्या करता है अब सेंटेंस के बीच में आ रहा है क्या जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए तो हम शुरू में लिखते हैं वट ठीक है वट डज ही डू वट डज ई डू तो यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं वो करता क्या है अगर बोलना हो क्या काम करता है जैसे अगला सेंटेंस तुम कहां काम करते हो वर्क ठीक है डब्ल्यू एच फैमिली के रूल साथ साथ देखते जाइएगा तुम कहां काम करते हो वेयर डू यू वर्क नेक्स्ट वह घर कब आता है अब यहां आ रहा है कब कब मतलब वेन अब ही सब्जेक्ट है तो डज लगेगा वेन डज ही कम और होम वेन डज he कम होम बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं यहाँ पे टू लगा देते हैं आपको याद रखना है कि टू नहीं आएगा आ, कुछ वर्ड हैं जैसे कि होम अब्रॉड और हेयर या देयर तो इन जगहों पर अगर हम आते जाते हैं तो हम टू नहीं लगाते अगर होता मेरे घर माई होम तो लगा सकते हैं टू जैसे वाई डज़ ही कम टू माई होम वो मेरे घर क्यों आता है लेकिन सीधा सीधा इन वर्ड से पहले टू नहीं लगाएंगे आई होप यू गॉट इट अगर आपको समझ आया तो टाइप कर दीजिए yes, यस ये, ये बात आपको समझ में आई नेक्स्ट तुम दफ्तर से कब आते हो कब इज वैन डू यू कम मतलब तुम कब आते हो दफ्तर से फ्रॉम ऑफिस वेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस और कई लोग क्या करते हैं वो लिख देते हैं वेन डू यू कम टू ऑफिस अब देखो टू लगने से क्या मतलब हो जाएगा अगर मैं यहां लिख दूँ टू ऑफिस तो इसका मतलब हो गया कि तुम ऑफिस कब आते हो और हम तो ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं ऑफिस से कब आते हो तो फ्रॉम ऑफिस फ्रॉम मतलब वो जगह जहां से कोई चीज आ रही है वो सोर्स कौन सा है जैसे वी गेट लाइट फ्रॉम द सन हमें सूर्य से रोशनी मिलती है ओके फाइन नेक्स्ट तुम कितने बजे उठते हो अब यहां कितने बजे इसका मतलब एट वट टाइम ये डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर आप काउंट करेंगे एट वट टाइम और हम कह रहे हैं कि तुम एट वट टाइम डू यू गेट अप नेक्स्ट वह कितने बजे उठता है लड़का एट वट टाइम डज ही गेट अप एट वट टाइम डज ही गेट अप वह कितने बजे उठता है और कई एक दो लिख रहे हैं वैन डू यू गेट अप वैन नहीं आएगा एट वट टाइम वह कितने बजे नहाती है तो एट वट टाइम डज शी अब शी के साथ डज एट वट टाइम डज शी टेक अ बाथ राइट नेक्स्ट वन वह नौ बजे नाश्ता करता है अब कोई लड़का है ही टेक्स ब्रेकफास्ट और एट नाइन ए एम लिख देता हूं ओ क्लॉक की जगह तो ही टेक्स अब ही था तो टेक के साथ हमने क्या किया एस ई एस लगा दिया टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना नेक्स्ट हम दो बजे से पहले दोपहर का भोजन करते हैं तो हम दोपहर का भोजन करते हैं वी वी टेक लंच हम भोजन करते हैं दोपहर का दो बजे से पहले यानी कि बिफोर टू बिफोर टू पी एम दो बजे से पहले ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट नाइन ए एम ओके फाइन बाकी आंसर भी ठीक है आप सबके ऑलमोस्ट और कुछ कुछ के हैं एक दो बच्चा जो एसई एस e, में थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट ठीक चल रहे हैं नेक्स्ट मेरे पिताजी अंग्रेजी सिखाते हैं तो माए फादर सिखाना मतलब टीच माई फादर अब एक ही है व सी एच पे खत्म हो रही है तो ईस लगा देंगे माई फादर टीच इस इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आपको लिखनी है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा छोटा नहीं लिखना तुम अंग्रेजी कहाँ सीखते हो डब्ल्यू एच फैमिली वेयर कहाँ डू यू लर्न इंग्लिश वेयर डू यू लर्न इंग्लिश और गई इस चिंता मत करें यह सारी वीडियो स्टेप बाई स्टेप ही चलेंगी ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं सीधा अभी एडवांस लेवल स्टार्ट कर दूँ धीरे धीरे करके आपका लेवल ऊपर उठेगा वीडियो रिपीट कर लेना तुम चंडीगढ़ में कहाँ रहते हो कहाँ मतलब वेयर डू यू लीव तुम कहाँ रहते हो चंडीगढ़ में इन चंडीगढ़ राइट वेयर डू यू लीव इन चंडीगढ़ और आप ऐसा भी बोल सकते हैं वेयर इन चंडीगढ़ डू यू लीव ठीक है इन चंडीगढ़ को यहां पे भी लगा सकते हो पर वो स्पीकिंग में ज्यादा बेटर है रिटर्न में आप लास्ट में लगाएं पेड़ ऑक्सीजन देते हैं तो ज्यादा पेड़ है ट्रीज देना मतलब गिव और ऑक्सीजन ओ एक्स वाई जी ए एन ट्रीज गिव ऑक्सीजन तो ज्यादा पेड़ थे एस नहीं लगाया हमने गिव के साथ आ, मैं लुधियाना से हूँ नेम इज़ खुशी सुधाकर मुझे बहुत इंग्लिश कम आती है सुधाकर कोई दिक्कत नहीं है आप आ, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश आ जाएगी देखो आपका काम है सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना और सीखना बाकी सारा मेरा काम है आपको कैसे चलाना है वो सारा मेरा काम है आपको नहीं सोचना कुछ भी आपको सिर्फ़ एक चीज़ सोचना है कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं नेक्स्ट इज़ पेड़ हमें फल देते हैं ज्यादा पेड़ हैं तो ट्रीज देते हैं मतलब गिव हमें मतलब अस क्या देते हैं फ्रूट ठीक है फ्रूट का प्लूरल लिखने की जरूरत नहीं है आप सिंपल लिख सकते हैं ट्रीज गिव फ्रूट टू अस तो ये सेंटेंस दोनों तरह से बन सकता है अस को अगर बाद में ले जाते हैं तो टू लगाना पड़ेगा ट्रीज गिव अस फ्रूट ट्रीज गिव फ्रूट टू अस तो दोनों ट्रांसलेशन सही हैं ठीक है आ, फाइन okay, नेक्स्ट मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ तो आई नेगेटिव है डू नॉट आई डू नॉट प्लक द फ्लावर्स आई डू नॉट प्लक द फ्लावर्स मैं फूल नहीं तोड़ता हूँ नेक्स्ट तुम उससे बहस क्यों करते हो मान लो कोई लड़का है उससे तुम बहस क्यों करते हो डब्ल्यू एच फैमिली वाई डू यू आर्ग्यू मतलब तुम बहस क्यों करते हो उससे उससे मतलब विद हिम कोई भी लड़का हो लड़की हो या जिससे भी बहस कर रहे हैं तो विद हम लगाते हैं आर्ग्यू के साथ अगर किसी टॉपिक पे बहस चल रही है तो हम ऐट लगाते हैं वाई डू यू आर्ग्यू एट ये टॉपिक नेक्स्ट वह तुम्हें क्यों घूरता है मान लो कोई लड़का है तो वाई डज़ ही घूरना मतलब स्टेयर अब याद रखना स्टेयर के साथ ऐट लगता है और तुम्हें मतलब यू वाई डज ही स्टेयर एट यू नेक्स्ट तुम उसे क्यों देखते हो मान लो आ, कोई लड़का है वो लड़की को देखता है तो मैं बोल रहा हूँ तुम उसे क्यों देखते हो तो वाई डू यू देखना मतलब लुक क्योंकि हम ध्यान से देखते हैं वहाँ पे और लुक के साथ लगता है एट और उसे मतलब मान लो लड़की है तो हर और लड़के को देखते हो तो हिम वाई डू यू लुक एट हर वाई डू यू लुक एट हिम राइट तो इसके बाद नेक्स्ट क्या तुम दोपहर को झपकी लेते हो झपकी मतलब टेक अ नैप टेक अ पावर नैप टेक अ सी एस्टा बहुत सारे वर्ड हैं टेक अ पावर नैप टेक अ सी एस्टा टेक नैप या हैव अ नैप तो क्या तुम दोपहर को झपकी लेते हो यानी कि थोड़ी देर सोते हो तो कहेंगे डू यू टेक अ नैप और दोपहर में मतलब इन द आफ्टरनून डू यू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून नेक्स्ट वन क्या तुम देर से नहीं सोते हो क्या तुम डू यू नॉट नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट डू यू नॉट स्लीप देर से मतलब लेट डू यू नॉट स्लीप लेट क्या तुम देर से नहीं सोते हो नेक्स्ट क्या वह मंदिर नहीं जाता है क्या से स्टार्ट हो रहा है तो डू डज पहले आएगा तो वह सब्जेक्ट है तो डज ही नॉट गो टू द टेम्पल डज ही नॉट गो टू द टेम्पल क्या वह मंदिर नहीं जाता है नेक्स्ट इज क्या वह नमाज पढ़ता है कोई लड़का है मान लो तो डज ही और नमाज पढ़ना इज रीड द नमाज ठीक है डज ही रीड द नमाज या फिर ऑफर द नमाज आप ऑफर भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मैं रोज गीता पढ़ता हूँ तो आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूँ गीता गीता मतलब द गीता रोज मतलब डेली अब जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं जैसे बाइबल कुरान भागवत गीता रामायण वेदाज उपनिषद, गुरबाणी जितनी भी हैं गुरु ग्रंथ साहिब तो इन सब के साथ द लगाना जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में खास हैं तो इनके साथ द लगाते हैं तो आई रीड द गीता नेक्स्ट मैं अपने माता पिता का, का कहना मानता हूँ कहना मानना ओबे तो मैं मतलब आए ओबे आई ओबे मैं कहना मानता हूँ किसका अपने माता पिता का यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं वो सोचते हैं अपने अपने के लिए वो यूवर कर देते हैं या फिर वो कर देते हैं हिज या कर देते हैं हर आपको याद रखना है किसके अपने मैं अपने मतलब मेरे अपने माए माता पिता फादर मदर नहीं पेरेंट्स बहुत लोग लिखते हैं आई ओबे माय फादर एंड मदर तो पेरेंट्स बोल दो बहुत है तो यहाँ पे जो अपने है ना हिंदी में अगर मैं अपने तो माए तुम अपने तो यूवर वह अपने तो हिज जैसे अगले सेंटेंस में है, क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो तो सब्जेक्ट कौन है तुम तो अपने का मतलब होगा योर तो क्या बोलेंगे डू यू ओबे क्या तुम कहना मानते हो अपने माता पिता का यू है तो योर पेरेंट्स ठीक है ये गलती भी मैं बहुत बार बहुत लोगों की देखता हूं कि अपने के लिए वो कुछ भी लगा रहे होते हैं नेक्स्ट तो फटाफट से गाइज करते हैं इनको वैसे सेंटेंस बहुत हैं क्लास क्योंकि जो पहला लेसन है मुझे लगता है कि दो तीन दिन के अंदर ही आपको करना चाहिए आराम से क्योंकि आगे बहुत बार यूज होगा ये लेसन ठीक है अगला अगला सेंटेंस मैं सभी क्लास लगाता हूँ तो आई अटेंड अटेंड मतलब लगाना सभी क्लासेस ऑल द क्लासेस आई अटेंड ऑल द क्लासेस नेक्स्ट तुम उसे जानते हो तुम यू जानना मतलब नो यू you नो know. उसे उसे मतलब कोई लड़का मान लो हिम अगर लड़की को जानते हो तो हर यू नो हर यू नो हिम नेक्स्ट मैं तुम्हें नहीं जानता हूं तो आई आई के साथ डू नॉट जानना मतलब नो और तुम्हें मतलब यू आई डू नॉट नो यू यानी कि आई डोंट नो यू नेक्स्ट वह मुझे जानता है कोई लड़का मान लो ही नो मतलब जानना अब ही था तो नोज लगा दिया मुझे मतलब ही ही नोज मी वह उन्हें जानता है उन्हें मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो ही नोज उन्हें मतलब देम तो देख लीजिए उसे मतलब हिम तुम्हें मतलब यू मुझे मतलब मी और उन्हें मतलब देम तो ओके okay, नेक्स्ट क्या तुम हमें जानते हो सिंपल है डू यू नो हमें हमें मतलब अस डू यू नो अस नेक्स्ट मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ तो आई नो हिम मैं उसे जानता हूँ लड़के को लड़की है तो आई नो हर और बहुत अच्छे से इज़ वेरी वेल वेरी गुड मत लिखना बहुत लोग यही लिखते हैं बहुत अच्छे से मतलब वेरी गुड गुड नहीं होता गुड क्वालिटी बताती है नेक्स्ट तुम्हें कैसे पता चल जाता है कैसे डब्ल्यू एच फैमिली है हाउ डू यू और पता चलना मतलब कम टू नो या फिर गेट टू नो हाउ डू यू गेट टू नो हाउ डू यू कम टू नो दोनों लिख सकते हो ठीक है और अगर होता तुम्हें कैसे पता है तो बोलते हैं हाउ डू यू नो और हम कह रहे हैं तुम्हें कैसे पता चल जाता है कम टू नो और अब हम लेते हैं आज का लास्ट सेंटेंस वीडियो क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी टाइम होने वाला है तो एक और सेंटेंस और उसके बाद आपके डाउट्स एंड आ, बाकी सेंटेंस हम कल की वीडियो में करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे कोई शॉर्टकट नहीं कोई बीच में जंप नहीं करनी हमें आराम से सीखेंगे और बढ़िया से तो वह अपने माता पिता अपने पिता जैसा दिखता है लड़का है ही दिखना मतलब लुक्स और किसकी तरह अपने पिता जैसा अब यहाँ पे क्या आ रहा है ध्यान से देखना अपने पिता अपने किसके लड़के के अपने ही लुक्स लाइक हिज फादर ही लुक्स लाइक हिज फादर तो ये थे हमारे आज के सिक्सटी सेंटेंसेस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के काफ़ी सेंटेंस समझाए और बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कोर्स के अंदर मैंने दे रखी है पीडीएफ फाइल वहाँ से एंड बाक़ी अगर आप में से कोई भी है जो मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर लें ऊपर आपको लिंक दे रखा है चैट सेक्शन में या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मेरा वन ईयर का कोर्स है जहाँ पे ये सारी वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं अगर आप वहाँ से सीखेंगे स्पीड हो जाएगी आपकी और जल्दी सीख जाओगे तो वन ईयर का प्राइस जस्ट फाइव नाइन्टी नाइन अब मुझे बताइए अगर आपको कहाँ कहाँ पर डाउट्स हैं अब आपके हम डाउट्स ले लेते हैं शालू चौधरी आपका कोर्स कहाँ से ले सकते हैं तो आपको बता दिया कि बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लें वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा डाउनलोड करके वहीं पे ज्वाइन का ऑप्शन है बेट टू पांडे सर आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नहीं करवाते हो क्या देखो स्पीकिंग तब करवाई जाती है जब बेस अच्छा हो जाए जिसका बेस अच्छा नहीं है उसको स्पीकिंग कैसे करा दें तो इसीलिए आप ट्रांसलेशन पे अच्छा फोकस करें रूल सीखें स्ट्रक्चर सीखें जब वो आ जाएगा फिर स्पीकिंग करें तो अलग से स्पीकिंग क्लास में होगा क्या आप बोलेंगे मैं आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा तो इससे बेटर नहीं है कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करें टॉपिक्स पर और टॉपिक्स मैं रोज़ देता हूं अपने फेसबुक ग्रुप में आप उन टॉपिक्स पे बोलें रोज वहाँ पे वीडियो पोस्ट करें मुझे जब टाइम मिलता है मैं वीडियोज़ देखता हूँ बच्चों की तो मुझे उनकी मिस्टेक्स पता चलती हैं तो उनको फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ तो आप भी कर सकते हो ओके आपके डाउट और किसी का हैजलपुर एक्सप्रेस सर गिव मी योर नंबर देखो नंबर ऐसे मैं दे नहीं सकता हूँ आपको अगर बात करनी है तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर ले वहाँ पे चैट का ऑप्शन है वहाँ पे आप बात कर सकते हैं क्योंकि सभी फिर परेशान करते हैं नंबर से आ, पाकिस्तान से अगर आप हैं तो पाकिस्तान वाले क्या कर सकते हैं आप ऐप डाउनलोड कर लें आप भी बिकम इंग्लिश चैम्पियन और जब आप लॉग करेंगे याद रखिए लॉग इन करेंगे फोन नंबर यूज़ नहीं करना आपको लॉग इन यूजिंग जी मेल करना है जी से लॉग इन करेंगे फिर अंदर जाके कोर्स दिखेगा वहाँ पर बाय नाउ करना तो वहाँ पर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और फिर आप ज्वाइन कर पाएंगे बट देख लेना कि आपके बैंक अलाउड करते हैं इंडियन पेमेंट के नहीं पाकिस्तान से आपको हिंदी नहीं आती देखो मेरा कोर्स हिंदी टू इंग्लिश है अगर आप हिंदी समझ सकते हैं तो ही ज्वाइन करना बाद में मत कहना कि मुझे नहीं पता था हिंदी में या नहीं क्योंकि मेरी सारी वीडियोस हिंदी टू इंग्लिश ही होती हैं अभिषेक सिंह राजपूत टेलीग्राम पे मिलेगा क्या टेलीग्राम पे क्या मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अब क्या मिलेगा पता नहीं टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना टेलीग्राम का फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जिसको फॉलो करना है कर ले कोई फोर्स नहीं है कोर्स में स्पीकिंग प्रैक्टिस होगा ऑब्वियसली होता है वहाँ पे आपको आ, ऐसे तो यकीन नहीं आएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है और मेरा फेसबुक अगर आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हो ये मेरा अकाउंट है अंकुश फैंसर के नाम से अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो ये मेरा अकाउंट है ठीक है आप सर्च कर सकते हो और मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूँ कहाँ पर प्रैक्टिस होती है तो ये मेरा ग्रुप है पर ये आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते इट्स प्राइवेट ग्रुप पीडीएफ वगैरह सब कोर्स में है तो ये देखिए जैसे ये लड़की है ये स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रही है इसकी 239 वीडियोस हो चुकी है स्पीकिंग करते हुए जैसे आज का टॉपिक क्या था वेयर डू यू वेस्ट योर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू हैव टू आंसर इट इन इंग्लिश सो ऐसे टॉपिक्स रोज मिलते हैं तो ये बोल के प्रैक्टिस कर रही हैं ऐसे करते करते किसी टीचर की जरूरत नहीं है टाइम के हिसाब से अपने आप फ्लुएंसी आएगी ठीक है ये और भी बहुत सारे हैं तो अभी इसको बंद करता हूँ तो पीडीएफ डी कहाँ मिलेंगी पीडीएफ कमला देवी आपको कोर्स में मिलेगी करुष्णा सी एच दास ही सीम्स लाइक हिज फादर ये गलत होगा क्या ऑब्वियसली गलत होगा हम सीम यहाँ पे यूज नहीं करते इस सेंस में यहाँ पे लुक हम यहाँ पे गेटअप की बात कर रहे हैं उसका लुक कैसा है और जो सीम है वो आभास होता है फेसबुक आईडी अंकुश फेंसर नाम से है मेरी uh, कर सकते हो फॉलो हरीश कुमार योर कोर्स इज़ वांडरफुल यस थैंक यू आई नो कि इसमें कितनी मेहनत लगी है कोर्स में तो सबको करना चाहिए hmm, आप मुस्कान परमार आप लाइव कब आते हो लाइव सिक सेवन टू एट सेवन टू एट शाम को और आज एक वीडियो भी मैंने अपलोड करी है उसको देख लेना hmm, मैं आपको दिखा देता हूँ आज एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर तो जब आप आपको यूट्यूब पे सर्च करना भी आना चाहिए बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता वीडियोस कहाँ पर हैं बिकम इंग्लिश चैम्पियन जब आप सर्च करते हो यूट्यूब पर तो ये चैनल आ जाता है स्टार्टिंग में इसको क्लिक करोगे इसके बाद अब आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर ये वीडियोज़ हैं तो ये वीडियो जैसे मैंने आज ही डाली है ये देख लेना आप बीरबल की स्टोरी है अच्छी स्टोरी है वर्ड मीनिंग भी अच्छे हैं और ये शॉर्ट्स पे क्लिक करोगे तो शॉर्ट्स खुल जाएंगे थोड़े बहुत तो ये शॉर्ट्स हैं और लाइव पे क्लिक करोगे तो लाइव वाली क्लासेस यहां पर आ जाएंगी ठीक है और प्लेलिस्ट देखनी है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो प्लेलिस्ट आ जाएंगी यहां पर तो इस तरह से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तो आज की वीडियो जो है तो जरूर देख लेना एंड हैव डू गेट ये सब में बहुत कन्फ्यूज़ खुशी सिंह आपको कन्फ्यूजन हो जाते हैं इन सब में देखो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना अगर मेरा मुझे फॉलो करते हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं आती ना डू में ना गेट में ना हैव में अगर आपको दिक्कत आ रही है इसका मतलब है आप सिस्टम से नहीं चल रहे हैं या फिर जहाँ से भी आप सीख रहे हैं उन्होंने आपको सही से नहीं बताया होगा रोहित मीना आ, सर मुझे कोई गर्लफ्रेंड दिलवा दो हा दिल, हाँ? दिल जिसको इंग्लिश ठीक ठाक आती हो और आपको दिलवा दो आपसे कोई क्यों लिंक में आएगा आपको तो खुद कुछ नहीं आता आप तो खुद बेशरम है, है ना तो चलिए ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करता हूं तो जो सीखना चाहते हैं जो सीरियस है वही बात करें नेक्स्ट uh, आपका uh, है सर इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के बाद लाइव क्लास होगी क्या लाइव क्लास यूट्यूब पे चल रही है आपको तो वहां पे मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं जल्दी हो जाएगा तो एक गर्लफ्रेंड वाला लड़का अजीब है इनको लाइफ में कुछ करना नहीं है इनको दिला दो अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले वही ज्यादा अच्छा है कोर्स uh, बाय करने के लिए कोड है जिसमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं nee, डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये कोर्स बहुत महंगा है और मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही आपको 599 दे रखा है ठीक है और आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कोई और आपके डाउट आ रहे हैं ठीक है गाइज तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम कल मिलेंगे सात बजे ठीक आप रेडी रहिएगा एंड अपने डाउट्स जो होंगे अपने पास रेडी रखिएगा और बाकी जो हैं वो कोर्स ज्वाइन कर लें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अब कल मिलते हैं रोहित मीना मुझे पता है कि ऐसा चलता रहता है क्लास में आप लिख रहे हैं सॉरी सर जस्ट चिल आई नो मुझे आ, इतना मैं सीरियस नहीं लेता इन चीज़ों को वो तो वैसे पढ़ दिया था आपका कमेंट ठीक है तो चलती रहती हैं ऐसी चीज़ें राइटिंग क्लास प्लीज सर राइटिंग पहले ट्रांसलेशन सीखे राइटिंग का बाद में मुझे क्र, क्राति का मुझे बीन बीइंग में डाउट है uh, आप मेरी सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखो मेरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको बी बीन बीइंग में डाउट हो क्योंकि मैं उनको बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थिंक पहले दिन ही उनको बी का तो पहले ही बता देता हूँ जिससे उनको बाद में कोई दिक्कत नहीं आती और जिसने बिल्कुल सिस्टम से नहीं करा उसको तो दिक्कत रहेगी रहेगी शायद इसीलिए आपको बी बींग और इनमें डिफ़िकल्टी है याद रखिए बींग के कम से कम छः यूजेस मैंने करा रखे हैं उन छः से बाहर कोई यूज़ नहीं है तो कम से कम बीस बीस एग्ज़ाम्पल भी दे रखे हैं ज़्यादा भी दे रखे हैं तो कर लेना वहाँ पर ठीक है तो गाइज़ बहुत हुआ आज के लिए ठीक है आठ चार हो गया तो कल मिलेंगे सो थैंक यू फॉर गिविंग योर ट्रिशियस टाइम और वीडियो देख लीजिएगा आज जो अपलोड करी है मैंने अभी देख लो मैं मैं खुद ही आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ठीक है आपका काम और भी आसान हो जाएगा तो अपने चैट में देख लीजिए अब मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ ठीक है आपको लिंक दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए बाकी अब कल मिलेंगे So thank you.